3 जुलाई को कानपुर में 8 बहादुर पुलिस कर्मियों की हत्या के कुख्यात अपराधी विकास दुबे को 10 जुलाई को UPSTF के साथ मुठभेड़ में मार दिया गया। उसकी मौत की परिस्थितियां, उसके राजनीतिक और सत्ता के साथ मजबूत संबंध, इस संगठित अपराध, राजनीतिक सत्ताधारियों और कानून व्यवस्था के उच्चतम स्तर पर बैठे अधिकारियों के बीच सांठगांठ के बारे में सवाल उठाते हैं। विकास दुबे जैसे अपराधियों की रक्षा करने वाले शक्तिशाली लोग कौन हैं? अगर विकास दुबे ने बयान दिया होता तो क्या उत्तर प्रदेश की सत्ता में संगठित अपराध और राजनेताओं के बीच की गहरी जड़ें उजागर होती? विकास दुबे उत्तर प्रदेश के 25 वांछित अपराधियों की सूची में क्यों नहीं था? अगर विकास दुबे बचना ही चाहता था तो उसने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण क्यों किया? एसटीएफ के काफिले के साथ यात्रा कर रहे मीडिया कर्मियों को विकास दुबे के एनकाउंटर से ठीक पहले क्यों रोका गया? जब विकास दुबे को चार्टर प्लेन से ले जाना तय था तो उसे सड़क मार्ग से क्यों ले जाया गया? विकास दुबे को UPSTF की सफारी कार से बदलकर महिंद्रा TUV 300 में क्यों भेजा गया? ऐसा कहा जाता है कि विकास दुबे के पैर में लोहे की रॉड थी और वह लंगड़ाकर चलता था, फिर वह UPSTF की हिरासत से कैसे बचकर भागा? अगर वह भाग रहा था तो विकास दुबे की पीठ की बजाय उसके सीने में गोली क्यों मारी गई? एनकाउंटर के तुरंत बाद पहुंची मीडिया को दुर्घटना स्थल पर रगड़ का कोई निशान क्यों नहीं दिखा? क्या यह सच है कि पहले मीडिया को बताया गया था कि यह एक दुर्घटना थी और मुठभेड़ के बारे में केवल अस्पताल में बताया गया? उत्तर प्रदेश के CM अजय सिंह बिष्ट और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इन सवालों का जवाब देना होगा और देश को बताना होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध प्रदेश क्यों बनने दिया। हम यह मांग करते हैं कि इस संगठित अपराध और विकास दुबे के साथ ताकतवर लोगों के नापाक गठजोड़ की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश द्वारा की जाए, ताकि विकास दुबे द्वारा मारे गए उन 8 बहादुर पुलिस कर्मियों को सच्चा न्याय मिल सके।